भाई वॉचेस हमारी सबसे स्टाइलिश और क्लासी एक्सेसरी होती है एंड किसी भी आउटफिट के साथ जब आप वॉच पहनते हो तो आपका स्टाइल लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन 90% लोग या तो वॉच पहनते ही नहीं है या फिर एकदम गलत आउटफिट के साथ गलत वॉच पहनते हैं। वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैम कालरा एंड आज के समर फैशन सीरीज एपिसोड में हम देखेंगे कि आपके पास कौन सी वॉचेस होनी ही होनी चाहिए एंड उनको आप साथ में स्टाइल किस आउटफिट के साथ कैसे करोगे। मैं आपको हर टाइप की वॉच दो बजट से बताऊंगा, 1000 से कम वाली एंड 1000 से 5000 के बीच वाली। सबसे पहली बात, ये डायल है और ये स्ट्रैप। अब आते हैं कुछ रूल्स पे जिससे आप वॉचेस में सेक्सी दिख सकते हो। रूल नंबर वन, वॉच को पहनो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड पे, मतलब जिस हाथ से आप काम करते हो उसके ऑपोजिट हैंड पे, ताकि आपके काम में वॉच अड़े ना। रूल नंबर टू, इन्वेस्ट इन वॉचेस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-15 हजार, लाख, 2 लाख खर्च कर दो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 2000 से 5000 की वो रेंज है जिसके अंदर आपको बहुत बढ़िया वॉचेस मिलती है, अच्छी क्वालिटी की एंड बहुत वाइड रेंज मिलती है, हर टाइप की मिलती है। इस रेंज में मेरे 3 फेवरेट ब्रांड्स हैं, कैसियो, टाइटन, टाइमेक्स। इस प्राइस रेंज से नीचे वाले ना सारे या तो गंदे दिखते हैं या फिर चीप लगते हैं, और हाँ, चीप मटेरियल्स अगर वॉच के होते हैं ना तो आपकी स्किन पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। सिवाय कुछ ब्रांड्स के जैसे कि सोनाटा और सिंबल। सिंबल तो स्पेशली ऐसा जबरदस्त ब्रांड है कि आपको 1000 से कम रुपीज की रेंज में इससे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती, और मैं अच्छे दिखने के लिए कभी आपके पैसे वेस्ट होने नहीं देता, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। रूल नंबर 3, आपकी वॉच इतनी टाइट होनी चाहिए कि आपको आपकी रिस्ट बोन पे फिट हो, लूज होके एकदम सल्लू है की तरह लटके ना, बट इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए कि आगे हाथ के अंदर ब्लड ही ना जाए और आपका हाथ कट जाए। रूल नंबर 4, जो आपकी वॉच का डायल है वो एकदम पतला होना चाहिए, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और वैसे भी मोटे बल्कि डायल्स अब फैशन में भी नहीं है। अगर आपकी रिस्ट पतली है तो आपकी डायल का डायमीटर 37 से 39 मिलीमीटर होना चाहिए, और अगर रिस्ट मोटी है तो 40-41 होना चाहिए। जब आप वॉच ऑनलाइन शॉपिंग कर खरीदते हो तो आपको वहां पे डायमीटर दिया हुआ होता है। डायल के अंदर के पार्ट में सिर्फ ब्लैक या व्हाइट अलाउड है, और मोटे मोटे नंबर्स नहीं होनी चाहिए, कोई और कलर की नीडल्स नहीं होनी चाहिए। इससे आपकी वॉच एकदम प्रीमियम दिखेगी और हर आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, और आउटफिट से ध्यान नहीं हटाएगी, एंड इसके साथ एक्सेसरीज भी बेटर मैच करवा पाओगे, जिस वीडियो के लिए आपको 4000 लाइक्स करवाने पड़ेंगे। रूल नंबर 5, आपका जो स्ट्रैप होता है उसमें कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो आउटफिट पे डिपेंड करता है। बट रिमेम्बर, जो रबर और लेदर वाले स्ट्रैप्स होते हैं वो गर्मियों में ना स्किन को काफी गर्म कर देते हैं, तो मेटल वाले स्ट्रैप्स जो होते हैं वो पूरा दिन कूल रहेंगे। अगर लेदर स्ट्रैप है तो वो फूला फूला नहीं होना चाहिए एंड उसके ऊपर कुछ डिजाइन और स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए, और बल्कि अगर उसमें स्टिचिंग है तो वो उस सेम कलर की होनी चाहिए जिस कलर का वो लेदर स्ट्रैप है। ऑल्सो अगर चेन वाली वॉच है और उसके जो लिंक्स हैं वो छोटे और कॉम्प्लेक्स हैं तो वो ज्यादा विंटेज लगेगी, एंड अगर नॉर्मल साइज के है तो क्लासिक लगेगी, बस ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अब आते हैं उन वॉचेस पे जो हर ब्रो के पास होनी चाहिए। नंबर 1, ब्लैक स्ट्रैप वॉच विद ब्लैक डायल एंड सिल्वर डिटेलिंग। इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो स्ट्रैप है वो लेदर का लो, ज्यादा क्लासी लगेगा। ये हर डार्क आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, बस उसमें ब्राउन की कोई शेड नहीं होनी चाहिए शर्ट या पैंट में। चाहे कोई कैजुअल आउटफिट हो टी शर्ट जीन्स के साथ, या फिर मैच्योर लुक हो चीनोस पोलो के साथ, या फिर फॉर्मल लुक हो सूट के साथ, या फिर ट्रेंडी लुक हो पैटर्न शर्ट के साथ, ये सब पे सही लगेगी जब तक कि आउटफिट डार्क हो। बेस्ट बात ये है कि ये ब्लैक है तो ब्लैक शूज के साथ भी अच्छी लगेगी, और इसमें सिल्वर डिटेलिंग है तो ये व्हाइट शूज के साथ भी अच्छी लगेगी, और एक्सेसरीज भी आपके साथ में ब्लैक एंड सिल्वर थीम की ही होनी चाहिए। मेरी ये लो बजट वाली एंड ऐसी ही एक अच्छी क्वालिटी वाली वॉच का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सेकंड है ब्राउन स्ट्रैप वॉच विद व्हाइट डायल एंड सिल्वर डिटेलिंग। इसमें आप लेदर स्ट्रैप ही लेना, क्योंकि ब्राउन रबर बहुत चीप लगेगा। ये हर लाइट कलर्ड आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, एंड अगर आउटफिट में कुछ भी ब्राउन हो तो भी बढ़िया लगेगी। चाहे कोई कैजुअल आउटफिट हो टी शर्ट जीन्स के साथ, या फिर मैच्योर लुक हो चीनोस पोलो के साथ, या फिर फॉर्मल लुक हो सूट के साथ, या फिर ट्रेंडी लुक हो पैटर्न शर्ट के साथ, ये सब पे सही लगेगी जब तक कि आउटफिट लाइट हो। अब इसके ब्राउन लेदर के साथ आप ब्राउन बूट्स भी पहन सकते हो, और इसके व्हाइट डायल के साथ मैच करने के लिए व्हाइट स्नीकर्स भी पहन सकते हो। इसके साथ एक्सेसरीज में कोशिश करना कि थोड़ा सा ब्राउन कलर आप ऐड कर पाओ। ब्राउन स्ट्रैप वाली भी 600 में सिंपल की बहुत बढ़िया आती है, और अगर थोड़ी सी बजट हाई हो आपकी तो मेरी ये टाइमेक्स वाली भी ले सकते हो। थर्ड सबसे जरूरी वॉच जो आपके पास होनी चाहिए वो है सिल्वर चेन वॉच विद ब्लैक या फिर व्हाइट डायल। ब्लैक वाली तब अगर आप आउटफिट जनरली डार्क पहनते हो, एंड व्हाइट वाला डायल तब जब आप आउटफिट जनरली थोड़ी सी लाइट पहनते हो। ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि इससे पहले बताई हुई सारी आउटफिट्स के साथ ये बढ़िया लगेगी। अब चाहे कोई कैजुअल आउटफिट हो टी शर्ट या जीन्स के साथ, या फिर मैच्योर लुक हो चीनोस पोलो के साथ, या फिर फॉर्मल लुक हो सूट के साथ, या फिर ट्रेंडी लुक हो पैटर्न शर्ट के साथ, ये सब पे सही लगेगी चाहे आउटफिट डार्क हो या लाइट हो। इसके साथ एक्सेसरीज आप सिल्वर पहनना जिसमें थोड़ा बहुत व्हाइट या ब्लैक हो। मेरी वाली कैसी और टाइटन की है, लेकिन सिंबल भी 600 रुपए में बनाता है दोनों। अब आते हैं उन वॉचेस पे जो ये सारी जरूरी वॉचेस लेने के बाद आपको लेनी चाहिए
एक्स्ट्रा सेक्सी देखने के लिए। सबसे पहला विंटेज वॉच जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है स्पेशली स्ट्रीट स्टाइल में। बेस्ट फील के लिए आप सिल्वर चेन वाली लो जो कि मैक्सिमम आउटफिट से ज्यादा अच्छी लगेगी। इसका डायल सर्कुलर नहीं होना चाहिए नहीं तो वो विंटेज फील नहीं आएगी। ये बेस्ट लगती है पैटर्न शर्ट वाली आउटफिट के साथ या फिर ऑल ब्लैक स्ट्रीट स्टाइल लुक के साथ। साथ में आपको एक्सेसरीज भी एकदम विंटेज टाइप की पहननी है। बट यार ये ना भी सस्ते ब्रांड्स नहीं बनाते तो आपको 2-3 हजार खर्चने पड़ेंगे कैसियो की वॉच पे। नंबर 2 है गोल्ड वॉच, मतलब असली गोल्ड नहीं बस गोल्ड दिखने वाली। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है जैसे कि किसी पार्टी में स्टड दिखना है तो एक गोल्ड वॉच से बेटर कुछ नहीं है। बट क्योंकि ऑलरेडी इतनी चमकदार है तो उसका जो डायल है वो ब्लैक होना चाहिए। साथ में आउटफिट या तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल हो या फिर कोई पार्टी में पहन के जा रहे हो या फिर जैसे शादी वगैरह में जा रहे हो, मतलब बेसिकली ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपको चमकना है। एक्सेसरी साथ में ब्लैक और गोल्ड में। इसमें भी मेरी कैसियो वाली और 1000 से कम वाली दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। थर्ड है डिजिटल वॉच, लेकिन वो पहली जी शॉक्स की तरह नहीं जिसके बड़े बड़े डायल होते थे। इसमें रबर या सिलिकॉन स्ट्रैप वाली काफी अच्छी कैजुअल वाइब्स देती है, कॉलेज और स्कूल में बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन आप मेटल स्ट्रैप भी ले सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये फुल ब्लैक या फिर फुल व्हाइट में लो ताकि ये हर आउटफिट के साथ अच्छी लगे। ये स्ट्रीट स्टाइल में बहुत बढ़िया लगती है और स्पेशली शॉर्ट्स वगैरह के साथ कैजुअल आउटफिट्स जो होती है उनके साथ बहुत बढ़िया लगती है। इसके साथ एक्सेसरीज एकदम सिंपल रखना, रबर और सिलिकॉन वाली। इसमें भी हर बजट के ऑप्शंस नीचे। नंबर 4 है फैब्रिक स्ट्रैप वॉच, मतलब जो अभी हमने ऊपर एसेंशियल वॉचेस देखी थी उनका स्ट्रैप कपड़े का हो। इसमें बेस्ट बात ये है कि आप सस्ते सस्ते में Amazon से स्ट्रैप्स मंगवा के इनको चेंज करके किसी भी आउटफिट के साथ मैच करवा सकते हो। बस ध्यान रखना कि स्ट्रैप मल्टी कलर ना हो और किसी झटाक कलर का भी ना हो, बस एक डार्क कलर हो साथ में व्हाइट या ब्लैक। एक्सेसरी साथ में मिनिमल रखना क्योंकि ये काफी कैजुअल स्टाइल की वॉच है। वैसे मैंने तो ये 300 रुपए में मंगवाई थी सिर्फ इस वीडियो में ये स्टाइल ट्राई करने के लिए, लेकिन मैंने क्वालिटी वाली का भी लिंक नीचे दिया हुआ। नंबर 5 है स्मार्ट वॉच जो कि किसी भी आउटफिट के साथ अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आपको पसंद है बहुत सारे फीचर्स जैसे कि अपना वर्कआउट ट्रैक करना या फिर अपनी स्लीप ट्रैक करना वगैरह वगैरह, तो आप किसी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की ले सकते हो किसी टेक चैनल पे उसका रिव्यू वीडियो देख के। मैं ही खोदूंगा टेक चैनल। एनीवे तो इनमें से आपकी फेवरेट वॉच कौन सी थी? दिस इज बी योर बेस्ट। अगले में मिलते हैं।